23 तारीख को मीटिंग है, तो सब पार्टी के लोग अपनी अपनी बात करेंगे। अगर ये लोग अंदर रहते तो जो कुछ भी बोलता वो सब बीजेपी को खबर होती। नीतीश कुमार ने ये बयान सोनबरसा के जेडीयू विधायक रत्नेश सदा को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करने के बाद दिया। रत्नेश सदा को जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन की जगह मंत्री बनाया गया है। तो हमने एक बार कह दिया, या तो अपनी पार्टी को मर्ज करिए, और नहीं तो अलग होना है तो अलग हो जाइए। तो मर्ज नहीं किए, कहा कि ठीक है तो हम अलग हो जाते हैं, अलग हो गए, ठीक ही हुआ। नीतीश कुमार के इस बयान को अब जीतन राम मांझी की पार्टी दलितों का अपमान बता रही है। नीतीश कुमार के आरोप पर खुद जीतन राम मांझी ने भी चुप्पी तोड़ी है और इशारों इशारों में उन्हें मौका परस्त बता दिया। मैं कहता हूँ, क्या नीतीश कुमार भाजपा से मिलकर के सरकार नहीं बनाए हैं क्या? तो नीतीश कुमार कौन मुँह से बोलते हैं कि भाजपा के साथ जा रहे हैं और भाजपा बहुत खराब पार्टी है? बतावें कि भाजपा के साथ सरकार नहीं बनाए हैं, वो तो सिर्फ चीफ मिनिस्टर रहने के लिए ऐसा करते रहे, कभी भाजपा कभी राजद।